हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एवरीवेयर एल्स। आज हम बात करने जा रहे हैं द गॉड ऑफ क्रिकेट और द वॉल ऑफ क्रिकेट की। जी हाँ, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ की। वैसे तो दोनों ही क्रिकेट के ग्रेट प्लेयर्स हैं, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं इनके नाम की वजह से चर्चा में आए न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्रा की। भारत के खिलाफ पहले T20 मैच में दिखाई देने वाले रचिन रविंद्रा ने भले ही 7 रन बनाए हों, लेकिन इसके बाद वह चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल 22 साल के रचिन अपने नाम को लेकर फैंस के बीच आए हुए हैं। 22 साल के रचिन भारतीय ही हैं। उनका टीम इंडिया के खिलाड़ियों के साथ पुराना रिश्ता है। रचिन का जन्म 18 नवंबर 1999 को न्यूजीलैंड में हुआ। उनके नाम की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। दरअसल रचिन का नाम मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ के नाम से मिलकर बना हुआ है। राहुल के रा और सचिन के चिन्ह को जोड़कर रचिन नाम बना है। रचिन लेफ्ट हैंड ऑलराउंडर हैं। रचिन के पिता श्री रवि कृष्ण मूर्ति पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज श्रीनाथ के अच्छे दोस्त हैं। दोनों ने बेंगलोर के लिए क्रिकेट भी खेला है। रचिन अक्सर क्रिकेट और अपने खेल के बारे में श्रीनाथ से बात करते रहते हैं। रचिन रविंद्र 2 अंडर-19 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, 2016 और 2018। इस साल सितंबर में न्यूजीलैंड के लिए रचिन ने बांग्लादेश के खिलाफ इंटरनेशनल डेब्यू किया। अभी तक वह कीवी टीम के लिए 6 T20 मैच खेल चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 99 के स्ट्राइक रेट से 54 रन बनाए हैं और 13.83 की औसत से कुल 6 विकेट चटकाए हैं। तो कैसी लगी आपको ये अपडेट, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जुड़े रहिए ऐसे ही मजेदार और रोचक वीडियो के लिए। धन्यवाद।